हाय, मेरा नाम श्रद्धा है और आज मैं आपको लेके चलती हूँ रियल लाइफ बार्बी वर्ल्ड में। अ पैडी फील्ड कवर विद वाटर लिलीज। इफ यू डिसाइड टू एक्सपीरियंस द रियल लाइफ बार्बी वर्ल्ड, मेक योर वे टू मलारिकल नाउ। अ वाटर लिली फेस्ट इज अंडर वे। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि व्हेन शुड आई विजिट टू मलारिकल एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, व्हाट इज़ द बेस्ट सीज़न, क्या लिलीज होंगी और कौन से टाइम पे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बोट्स के क्या प्राइसेस होंगे, बोट्स की कोई प्रीवियस बुकिंग होती है या फिर मलारिकल पहुँचने का रास्ता क्या है और ये कोटियम से कितना दूर है और यहाँ पर क्या पार्किंग है भी या नहीं, और है तो क्या चार्जेस हैं। डोंट वरी, हर चीज़ का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटीफुल बार्बी वर्ल्ड को। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पैडी फील्ड है तो ये ज़्यादा डीप नहीं है, बस दिखने में लग रहा है। और रास्ते में आपको डक्स देखने को मिलेंगी एंड पानी बहुत ज़्यादा क्लियर था और ठंडा था। बोट के चार्जेस 100 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पे जो बोट है वो काफ़ी धीरे चलती है क्योंकि रास्ता नहीं है, बट यहाँ पे बोट अच्छे से चलती है, अच्छी स्पीड में चलती है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर वे बनाया गया है और यहाँ पे आप अपनी बोट्स अच्छे से चला सकते हो एंड इन बिटवीन आप अपने लिलीज भी तोड़ सकते हो, जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल लिलीज दिखें। स्टार्टिंग में थोड़ी कम लिलीज दिखती है, बट जैसे ही आप डेप्थ में अंदर जाते जाते हो वैसे ही आपको बहुत सारी ब्यूटीफुल लिलीज देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे कैसा नज़ारा होने वाला है। एंड रास्ते के साइड में आप देख सकते हो आपको लिलीज स्टार्ट हो गई हैं और बीच में आपको ये रास्ता दिख रहा है और आसमान कितना क्लियर दिख रहा है। इवन यू कैन सी स्काई इन द वाटर एज वेल। तो केतन तो एकदम रिलैक्स हो गया है और एकदम लेट ही गया है बोट। तो केरला के वेदर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पल में बारिश पल में धूप, और बारिश हो गई है स्टार्ट। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, इट्स इन कोट्टयम, सर्च मलारिकल और डोंट स्टॉप अंटिल यू सी पॉन्ड। यहाँ पे आप ड्राइव डाउन करके भी आ सकते हो, यहाँ पे आप बाइक से राइड कर भी आ सकते हो, बट बाइक से इजी पड़ेगा, कार थोड़ा पार्किंग करने में। यहाँ पे प्रॉपर ऐसे पार्किंग नहीं है, सो लोगों ने अपने घरों के आगे पार्किंग स्पेस दे दिया है, उसके वो चार्ज करते हैं 30 रुपीज़। 200 मीटर्स अहेड फ्रॉम गुरु मंदिर, इट्स अ लैंडमार्क टू रीच दिस पर्टिकुलर लोकेशन। वैसे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोकेशन कौन सी है, बिकॉज आपको बहुत सारी बोट्स देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी क्राउडेड एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज। And once you reach, you can see beautiful 650 acre pond with a wow filled with flowers. The lake of lilies is full of bloom. It goes on to 2-3 months in every year. सिर्फ 2 से 3 महीने रहता है ये. So वो 2 से 3 महीने कौन कौन से हैं, ये अगस्त और सेप्टेम्बर में एकदम आपको प्रॉपर पूरी की पूरी भरी हुई फील्ड दिखेगी, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। और इवन नवंबर में भी आपको मिल जाएगा, बट उतना ज्यादा फील नहीं मिलेगा। यू द मोस्ट प्रेफरेबल टाइम टू विजिट मलारिकल इज 5:30 AM टू 9:30 AM, क्योंकि उसके बाद जो लिलीज हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं और उस मतलब 5:30 से लेके 9:30 तक वो आपको ओपन देखने को मिलेंगी। एंड जैसे ही आप 9:30 के बाद टाइम होता जाएगा वो लिलीज क्लोज हो जाएंगी एंड द मैजिक फेड्स अवे। सो इससे कि पहले पेटल्स जो हैं वो क्लोज होना स्टार्ट हो लिलीज की, आप वहाँ पे पहुँच जाइए, रीच देयर बाई एटलीस्ट 6, सो दैट यू कैन सी सनसेट एंड आफ्टर सनसेट यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल पॉन्ड। तो एक टिप देती हूँ, स्टार्टिंग वाले पॉन्ड में उतनी ज़्यादा लिलीज नहीं होती, उस पॉन्ड के बाद एक और पॉन्ड पड़ता है, उसके लिए आपको दूसरी बोट से जाना होता है। सो आप उस वाले पॉन्ड में ज़रूर जाना, वो पूरा का पूरा आपको पिंक दिखेगा, इतनी ज़्यादा लिलीज दिखेंगी आपको। सो ऑब्वियसली अगर आप इतनी दूर आ रहे हो तो यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द बेस्ट, सो आप दोबारा एक और बोट हायर करना, लिटिल बोट, वो बहुत छोटी सी बोट होती है एंड उससे लगता है कि हम गिर जाएंगे, और क्योंकि वो बोट बहुत
हेल्थी है, यू कान डू मच, आपको सिर्फ बैठना पड़ेगा उसमें, बट वो आपको एकदम क्लोजर ले जाएगी लिलीज के. वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मलारिकल का मैजिक, जिसके लिए वो फेमस है. और हम और आप जो कि इंस्टा क्लिप्स देख कर गए थे वहाँ पे, जो क्लिप्स आपको इंस्टा पे दिखी थी, बिल्कुल सेम व्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड वो काफ़ी लेस क्राउडेड भी मिलेगा. इस वाले पॉन्ड में तो काफ़ी क्राउडेड होता है, क्योंकि मोस्टली लोग यहीं आते हैं. दूसरे वाले पॉन्ड के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, सो ये मैं आपको बता रही हूँ. सो एज यू कैन सी, आई हैव क्लिक multiple pictures and multiple videos, so you can also click some pictures and make some videos and also get some lilies for yourself. So ये lilies काफ़ी 1 week तक चल जाती हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रख सकते हो और अपने घर को सुंदर बना सकते हो. So you can experience all of this on a short trip. और ये कोची से आई थिंक 1 hour or 1 hour 30 minutes दूरी था. सो आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग जो कि आपके घर से बहुत क्लोज़ हो और आप 3-4 घंटे में वापस आ जाओ, सो आई थिंक मलारिकल इज़ द बेस्ट ऑप्शन इफ़ यू आर फ्रॉम कोची. और ऑब्वियसली केरला इज़ अ गॉड्स ओन कंट्री, तो केरला तो पूरा ही बहुत सुंदर है, बट ये जो मलारिकल है वो बहुत ही सुंदर है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल लिली पॉन्ड. और सेकेंड पॉन्ड तो ऐसा लगता है जैसे कि लिलीज का कारपेट बिछा दिया हो, बहुत ही अनरियल लगता है और बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है यहाँ पे. एंड ये जो अंकल थे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे एंड बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करी. सो ये बहुत लकी होता है कि अगर आपका जो बोट पार्टनर है वो भी मतलब इंटरेस्टेड हो आपकी पिक्चर्स क्लिक करने में. एंड वो सीरियसली वो मुझे बता रहे थे कि आप ऐसे पिक्चर्स क्लिक करो, आप ये पोज दो, आप वो पोज दो. सो दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम, अ वेरी बिग शाउट आउट टू हिम एज़ वेल. एंड ऑब्वियसली ये जो बिजनेस होता है या ये जो भी अर्निंग होती है, इट्स ओनली फॉर 2 months or 3 months. So give them tip if they are nice to you, because यहाँ के locals की ये extra income होती है और ये income सिर्फ और सिर्फ 2 months के लिए होती है, 3 months के लिए होती है पूरी साल में. So obviously अगर आपके साथ कोई भी अच्छा कर रहा है, आपको अच्छा experience दे रहा है उस place का, so make sure that you know you do something for them as well. So yeah, that was my experience. So if you have any queries regarding this, you can comment down. I will revert back. And this is the video I have made after. You can also make a reel like this. So I hope you like this video. I hope you enjoy this video. So agar aapko video pasand aaye to aapko pata hai ki aapko kya karna hai. So see you in next video. Until then, like, share and subscribe. Bye bye. Love you. Mwah.